नमस्कार दोस्तों, मैं हूं धर्मेंद्र मोजेद्रा। स्वागत है आपका गुजराती चेस जोन में। बहुत टाइम के बाद हम मिल रहे हैं, लेकिन आप बहुत ही बढ़िया ओपनिंग तैयार कर रहा था मैं, तो आज आपके सामने पेश कर रहा हूं ब्लैक से बैंको गैम्बिट, जो बहुत ही अटैकिंग लाइन है, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे आज दोस्तों। स्पेशली ये एपिसोड हिंदी में आपके लिए बनाया है, तो ध्यान से देखिएगा। बैंक ऑफ गैम्बिट, जिससे आपको व्हाइट से भी खेलना आ जाएगा अच्छी तरह से, और ब्लैक से भी आप काफी अटैकिंग गेम खेल सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं बैंक ऑफ गैम्बिट। सबसे पहले बैंक ऑफ गैम्बिट, जब भी व्हाइट d4 पॉन करता है तभी आप खेल सकते हो, ये खास ध्यान में रखना। फर्स्ट मूव व्हाइट की d4 होगी, तभी ज्यादातर बैंक ऑफ गैम्बिट होती है। तो यहाँ पे व्हाइट खेलता है d4, ब्लैक से रिप्लाई होता है फर्स्ट मूव nf6। ध्यान से देखिए, स्टेप बाय स्टेप, एकदम इजी ओपनिंग है, जल्दी ही प्रिपरेशन में आपको आ जाएगा। तो d4 nf6, इसकी दूसरी खासियत यह है कि ब्लैक खेलता है क्वीन साइड बी फाइल और ए फाइल, दोनों फाइल खोली करके, यानी दो पॉन सेक्रीफाइस करके ब्लैक गेम क्वीन साइड अटैक करता है। यहाँ पे d4 अगेंस्ट nf6 NF6 करते हो तो मोस्टली व्हाइट c4 करता है और आपको रिप्लाई देना है c5, सेक्रीफाइस योर पॉन। यहाँ पे मेन व्हाइट d5 करेगा, सेंटर वो छोड़ेगा नहीं, इसलिए यहाँ आपको सेंटर ब्रेक करने के लिए पॉन b5। नाउ ब्लैक ने पॉन को सेक्रीफाइस किया, पॉन टेक्स पॉन मारेगा, लेकिन व्हाइट अगर एक्सेप्ट नहीं करता है सेक्रीफाइस तो बैंको गैम्बिट डिक्लाइन हो जाएगी। तो एक्सेप्ट नहीं करने के लिए व्हाइट को खेलना पड़ेगा नाइट टू f3 और नाइट d2, ये दो बेस्ट लाइन है डिक्लाइन के लिए। तो चलिए दोनों लाइन आप देखेंगे। नाइट f3, आफ्टर नाइट f3 ब्लैक b4 खेल सकता है। यहाँ पे व्हाइट खेलेगा a3, ब्लैक को खेलना है g6 फॉलो बाय बिशप टू g7। g6 के बाद व्हाइट पॉन टेक्स पॉन करेगा, ब्लैक पॉन टेक्स पॉन करेगा, बिशप e3 टारगेट a7 का पॉन। रुक की फाइल खोलने के बाद तुरंत ही ब्लैक व्हाइट के पास बढ़िया मूव है बिशप e3। इसमें रिप्लाई देना है क्वीन c7, सपोर्ट बढ़ाना है और क्वीन को सी फाइल में c4 पॉन पे अटैक के साथ। आफ्टर क्वीन c7 व्हाइट खेलेगा बिशप टू d4। अब आप समझ गए होंगे कि बिशप e3 लाने का रीजन क्या है, नेक्स्ट मूव में बिशप d4 लाके ये नाइट को पिन करना है और सेंट्रलाइज बिशप। तो बिशप d4 में कोई दिक्कत नहीं है, सिंपली ब्लैक खेलेगा बिशप टू g7। अब व्हाइट खेलेगा e4। अब आप देख सकते हो कि ब्लैक ये नाइट से पॉन नहीं मार सकता, क्योंकि बिशप टेक्स बिशप सिंपल हो रहा है, इसीलिए ये e4 नॉट सेक्रीफाइस। ब्लैक खेलेगा कैसल, अब हम इसे नाइट से नेक्स्ट मूव में मार सकते हैं, ये ट्रेड है। कैसल के बाद सिंपली व्हाइट डिफेंस करेगा बिशप d3 से और कैसलिंग की तैयारी। तो बिशप d3 के बाद ब्लैक को खेलना है d6, अपने ये व्हाइट बिशप को स्ट्रॉन्ग करने के लिए डायगोनल ओपन करना है। बिशप d6 के बाद बेस्ट मूव है e5 विद द सेंटर अटैक। नाइट टू g4 सरप्राइज मूव, यहाँ पे अगर पॉन टेक्स पॉन करता है तो कोई दिक्कत नहीं है, बिशप ऑलरेडी सपोर्टेड है, आप क्वीन से उसके पॉन को कैप्चर कर सकते हो। तो नाइट d4 के बाद e takes d6 एंड e takes d6। अब ई पॉन से मारने का मेन रीजन क्या है कि हमें ये दो कनेक्टेड पॉन को स्टॉप भी करना है, क्योंकि अगर हम क्वीन से मारेंगे तो 1x1 पॉन आगे बढ़ते जाएंगे और ब्लैक के ऊपर जल्दी अटैक आ जाएगा।
नो प्रॉब्लम, ये पोजीशन से आप बहुत ही अच्छी तरह से गेम खेल सकते हो और व्हाइट से भी दोनों इक्वल चांसेस है। तो चलिए देखते हैं नाइट डी टू वेरिएशन इन डिक्लाइन। डिक्लाइन में डी फोर, नाइट एफ सिक्स, सी फोर, सी फाइव, डी फाइव, डी फाइव और यहां पे व्हाइट खेल रहा है नाइट डी टू। बी फाइव, नाइट डी टू, यहां पे आपको बी टेक सी फोर, अगर वो पॉन नहीं ले रहा है, डिक्लाइन कर रहा है, तो आप पॉन मार दो। व्हाइट सेंट्रल लेने के लिए नाइट डी टू कर रहा है और उसके सपोर्ट से ये पॉन को आगे बढ़ाना चाहता है ई फोर, और दूसरी थ्रेट है बिशप टेक्स पॉन की। ई फोर, हमें ये पॉन बचाने की जरूरत नहीं है। डी सिक्स, स्टॉप दिस पॉन, ये पॉन को स्टॉप करो तुरंत और अपने व्हाइट बिशप को एक्टिव करो। डी सिक्स के बाद आपका व्हाइट ब्लैक बिशप जो है वो जी सेवन पे ही डेवलप होगा, ये दोनों डिक्लाइन लाइन में, ये खास ध्यान रखना है आपको, इसीलिए हम डी सिक्स करते हैं, हमें ई सिक्स करने की अभी जरूरत नहीं होगी। डी सिक्स इसीलिए कि ब्लैक बिशप ये लाइन में बेकार है, क्योंकि ये लाइन पूरी ब्लॉक है खुद ही के पॉन से, तो यहाँ पे आपको डी सिक्स बेटर मूव है और ब्लैक बिशप के लिए प्लानिंग करना है जी सिक्स देन बिशप टू जी सेवन। यहाँ पे डी सिक्स, उसके बाद व्हाइट रिप्लाई देगा बिशप टेक सी फोर, बिशप से सी फोर पॉन मारेगा, उसके बाद आपको जी सिक्स करना है। जैसे ही व्हाइट बी थ्री करता है तो वो भी फियान चट्टो बिशप बनाएगा, यहाँ पे आप बी जी सेवन सिंपल मूव कर सकते हो। बिशप जी सेवन के बाद व्हाइट का प्लानिंग रहेगा बिशप बी टू, व्हाइट देखता है कि दोनों बिशप डायगोनल में काफी अच्छे सेट हो गए, लेकिन ये बिशप व्हाइट वाला जो है थोड़ा सा डल बिशप, मतलब थोड़ा सा बैड बिशप, नो प्रॉब्लम। बिशप टू बी टू, अब ब्लैक को सिंपल कर देना है कैसलिंग, शॉर्ट कैसल, नाइट जी एफ थ्री, व्हाइट को भी कैसलिंग की तैयारी करनी है। एन बी डी सेवन, आपको बी वाला नाइट डी सेवन पे और सेंटर के इसके लिए अच्छी जगह है, तो एन बी डी सेवन व्हाइट करेगा कैसल, कैसल के बाद एन बी सिक्स। अब ये बिशप जो हमें थोड़ा सा परेशान कर रहा है, मतलब यहाँ एफ सेवन पे टारगेट लिए हुए कभी भी सेक्रीफाइस आ सकते हैं और ये अपना जो डायगोनल है ओपन करके यहाँ पे एफ सेवन पे अटैक कर सकता है, तो हम नाइट बी सिक्स से उसके बिशप पे थ्रेट देंगे कि या तो एक्सचेंज करो या तो फिर वापस चले जाओ। आर ई वन, व्हाइट खेलेगा रुक ई वन, उसे कोई प्रॉब्लम नहीं है कि भले ही एक्सचेंज हो जाए, नाइट डेवलप होगा या पॉन डेवलप होगा। एन एफ डी सेवन, हम अपना प्लान करेंगे ये नाइट को। एन एफ डी सेवन आइडिया क्या है कि हम इस नाइट को यहाँ पे लाना चाहते हैं और अगर वो बिशप एक्सचेंज करता है तो स्ट्रॉन्ग बिशप जो उसका डायगोनल में है, जो एक ही एक्टिव बिशप है, वो हमें मिल जाएगा और दोनों बिशप एक्सचेंज होने के बाद हमें कोई दिक्कत नहीं है। कई बार ऐसा होता है कि हम फियान चट्टो वाला अपना कैसल बिशप नहीं देते, लेकिन ऐसी पोजीशन में दे देना अच्छा है, क्योंकि दो दो बिशप है तो उसके सामने फाइट करने के लिए पैर ऑफ बिशप वैसे भी हमारे लिए डेंजर होते हैं। तो एन बी डी सेवन, बिशप जी सेवन वो एक्सचेंज कर लेगा किंग टेक्स जी सेवन, और ये पोजीशन से दोनों प्लेयर स्ट्रॉन्ग प्लेयर है तो अच्छी तरह से खेल सकते हैं, इक्वल पोजीशन है, कोई दिक्कत नहीं है। कौन हारेगा कौन जीतेगा ये अभी से तय नहीं हो सकता, लेकिन इस पोजीशन में ऐसा कहा जाता है कि ब्लैक स्लाइट बेटर है। तो नेक्स्ट वीडियो में आप देखोगे बैंको गैम्बिट एक्सेप्टेड। तो चलिए जल्द ही मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय गुजरात।